सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एंड क्या आपने कभी भी कोरियन नूडल्स घर पर बना के खाए हैं? इंस्टेंट नूडल्स तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, बट आपने कभी इसे घर पर स्टार्टिंग से एट द एंड बनाकर देखा है? इसकी सॉसेस, इसके मसाले, सब कुछ घर पर बहुत आसानी से बन जाते हैं। सो आज हम बनाएंगे यही कोरियन नूडल्स, लेकिन घर पर बिल्कुल स्पेशल तरीके से, एकदम सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे स्पाइसी और टेस्टीस्ट रेसिपी, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम ले लेंगे ढेर सारी गार्लिक्स और रेड चिली। यहाँ पे मैंने एकदम तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप भी यही मिर्च यूज़ करें। और ढेर सारे लहसुन में पहले इस तरीके से बीच में स्लिट लगा दें। ध्यान रखें आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 कलियाँ लहसुन की लेनी है। अब इसके बाद हम सभी मिर्चे के स्टेम्स को निकाल कर अलग कर देंगे। ध्यान रखें डंठल को अलग करके इसे एक छोटी कटोरी में इस तरीके से रख दें। देन अब इसमें क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा स्पाइस अप करने के लिए इसमें हम थोड़ी सी विनेगर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एक बड़े टेबल स्पून से ऑलमोस्ट एक ढक्कन यहाँ पे मैंने विनेगर ऐड करके रख दिया था पहले ही। आप इसे पहले इस तरीके से सोक करके रख दें, तभी इसके बाद हम अपनी सारी तैयारियाँ करेंगे। देन यहाँ पे मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ली है, आपको भी सिर्फ शिमला मिर्च ले रही है, प्याज गाजर ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड नहीं करनी है। सिर्फ शिमला मिर्च लेके इसको पतली पतली स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लीजिए, जितना महीन आपसे कट सके। सो नाउ अब हम किसी एक बड़े पैन या फिर कढ़ाई में ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें सभी गार्लिक को ऐड कर देंगे। ध्यान रखें जब तक हमारे गार्लिक एकदम अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आप इसे हाई फ्लेम पे सौते कर लें। और देन इसके बाद हम अपनी सभी शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से सौते करने के बाद इसमें हमने जो विनेगर और चिली बना के रखा था पहले से ही, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और साथ में सौते कर लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं कोरियन नूडल्स, तो इसमें आप जितने ज़्यादा हो सके उतना स्पाइसीनेस के लिए आप इसमें थोड़े से ओरिगैनो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस और थोड़े से टमाटो केचप के साथ हम सभी को अच्छे से सौते कर लेंगे। ध्यान रखें जब तक ऑयल में आपका सभी सॉसेज अच्छे से पक नहीं जाते तब तक आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें, और तभी हम इसमें अपने सभी नूडल्स को ऐड करेंगे। सभी नूडल्स को इसमें अच्छे से ऐड करते समय ध्यान रखें नूडल्स में बिल्कुल भी पानी ना रहे, ये एकदम ड्राई हो। सो पूरे सॉसेज में नूडल्स को अच्छे से सौते कर लेंगे इस तरीके से। आप इसे अच्छे से टॉस कर लें बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में। देन हम इसमें ऊपर से टेस्ट मेकर के लिए थोड़े से चिंग्स के मसाले ऐड करेंगे। ये कोरियन मसाले का एकदम अच्छा ड्यूप है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। सो यहाँ पे हमारे कोरियन नूडल्स बनकर एकदम तैयार है बिल्कुल सेम टेस्ट के साथ। बस लास्ट में आपको ऊपर से 2 टेबलस्पून सोया सॉस अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसका कलर जैसे ही जैसे चेंज होता जाएगा आपका इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ये कोरियन नूडल्स बिल्कुल हेल्दी है और बहुत अच्छे हैं, आप इसे घर पर ही इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। जो आप इंस्टेंट नूडल्स मैगी वाले खाते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो जब भी आपका कोरियन नूडल्स खाने का मन करे एक बार ये नूडल्स बनाकर देखें, यू गोना लव दिस टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से प्लेट कर लेंगे, आप इसे अपने स्टाइल में किसी भी तरीके से प्लेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा फैंसी रखा है। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ढेर सारी चाइनीज़ और कोरियन रेसिपीज हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। एंड अगर आपने मेरे कोरियन मोमोज की रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर एक बार देखें, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। बस इसको ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स के साथ टॉप करें और हमारा कोरियन नूडल्स सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।